Hello everyone and welcome back to my YouTube channel once again. My name is Richa Kashyap and I love creating videos for you all. तो सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी. एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल काम में बिजी हो चुकी थी, बट आई एम बैक अगेन. सो अभी लाइक कुछ दिनों से मैंने चेक किया कि मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी सारे DMs वगैरह आ रहे हैं. इनफैक्ट मेरे जो वीडियोस थे, लास्ट वीडियोस, उन पे भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे अबाउट फ्लैट की, मतलब फ्लैट ढूंढना है या फिर PGs वगैरह या फिर इंक्वायरीज के बारे में. सो आई थॉट आज संडे था एंड थोड़ा घर के मैंने साफ सफाई वगैरह भी की हुई थी, तो हम लोगों ने मैंने सोचा कि चलो एक मैं आपको जल्दी से फ्लैट का टूर दे देती हूँ. सो आपको पता चलेगा कि लाइक फुली फर्निश्ड फ्लैट के अंदर, 2BHK फ्लैट के अंदर क्या क्या सामान मिलता है एंड like water facilities you get here. So now without further delay, let's jump straight into the video and I'll show you the flat from the very beginning. So यहाँ से जो है entrance है हमारे flat का, ये जो plants वगैरह लगाए हुए हैं ये हमारे neighbors ने लगाए हैं. And so यहाँ से हम करते हैं enter and then this is a waiting area. So ये हमारा waiting area है. एक बार मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ. यहाँ पे जो सामने रखा है वो हमें शू रैक दिया हुआ है. देन आफ्टर दिस, उसके बाद यहाँ पे मेरा एक छोटा सा मंदिर दिया हुआ है. यहाँ पे मैंने भगवान जी रखे हुए हैं. मैं इनकी लाइक सुबह जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पूजा कर लेती हूँ. एंड ये जो है गाइज एक और रूम है. यहाँ पे 2.5 का कंसेप्ट चलता है. तो ये रूम जो है छोटा एक रूम है, लॉक है एंड इसमें हमारे ओनर ने अपना कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है. सो इसका एक्सेस नहीं है हमको. देन आफ्टर दिस इज आवर हॉल. एक बार पूरा व्यू दिखाती हूँ. यस, ये हमारा हॉल है. काफ़ी बड़ा, काफ़ी स्पेशियस हॉल है हमारा. तो लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हम लोग लाइक गर्ल्स क्रिकेट नहीं देखती हैं, बट हमारे यहाँ पे जो है वो फुल टाइम क्रिकेट चलता है एंड सौम्य आसान के रहते हर एक बॉल हम इधर कोई एक भी बॉल हम मिस नहीं करते हैं. सो अभी क्रिकेट चल रहा है. मैच किसका चल रहा है? इंडिया एंड जिम्बाब्वे. ओके, सो इंडिया काफ़ी अच्छा खेल रही है तो इसलिए सौम्य बहुत ज़्यादा खुश है अभी, राइट? ये जो टीवी है ये भी हमें ओनर ने दिया हुआ है. देन आफ्टर यहाँ पे शो पीस टाइप है. दीज प्लांट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाई ओनर्स ओनली. हियर वी आर हैविंग अ स्मॉल टेबल दैट जो भी है. एंड देन आफ्टर ये जो सोफ़ा है, दिस इज सोफ़ा कम बेड. तो जब हमारे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो हम इस सोफ़ा को जो है ओपन कर लेते हैं तो काफ़ी जगह हो जाती है एंड हम आराम से बैठ के पार्टी वगैरह जो करना होता है कर लेते हैं. देन हियर दिस वी आर हैविंग बीन बैग. एंड यहाँ पे हमारे को 6-seater डाइनिंग टेबल भी दी हुई है. सो काफ़ी अच्छी डाइनिंग टेबल है. एंड यस, ये जो स्टिकर्स वगैरह ये हमने नहीं लगाए हैं, ये सब कुछ ऑलरेडी पहले से हमारा दिया था. दिस इज़ फुली फर्निश्ड फ्लैट. सो पीछे जो है वो हमारा किचन है. सो लेट मी जस्ट शो यू द किचन. एंड गाइज, ये जो किचन यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक मॉड्यूलर किचन होता है, एक नॉन मॉड्यूलर किचन होता है. तो जो मॉड्यूलर किचन होता है इसके अंदर ये सब कैबिनेट्स वगैरह एंड ये जो नीचे दिया होता है तो इसका जो रेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली. जो नॉन मॉड्यूलर होगा उसमें सादा रहेगा नीचे, आप मतलब कुछ भी दिया नहीं होगा. सो सब कुछ नीचे आपको रखना पड़ता है. मैं एक बार आपको डिटेल दिखा देती हूँ किचन कैसी है. यस, ये हमें फ्रिज दिया हुआ है यहाँ पे पूरा अच्छा खासा, काफ़ी बड़ा फुल साइज का फ्रिज है यहाँ पे. देन आफ्टर एक्चुअली ये सब भी हमें ओनर्स ने दिया हुआ है. ये हमें ओनर ने दिया हुआ है. देन आफ्टर दिस ये आटा मेकर और लाइक मिक्सर वगैरह जैसा है, ये भी उनका ही है. एंड यस, ये हमारा पूरा किचन है. देन वाटर प्योरीफायर वगैरह भी हम प्रोवाइड करते हैं. देन आफ्टर दिस इज ड्राई बैल्कनी. तो यहाँ पे कपड़े वगैरह धोने का आपको जो भी अपना एक्स्ट्रा सामान है, वॉशिंग मशीन भी, ये जो वॉशिंग मशीन है ये भी आपको फुली फर्निश्ड मिलती है. तो ये सब हमने हमको दिया हुआ है. साथ में यहाँ पे एक एडिशनल ये जो ओवन है ये भी हमको OTG है वो दिया हुआ है यहाँ पे हमको ओनर ने. देन एक छोटा सा कैबिनेट टाइप है, इसमें हम अपने स्नैक्स वगैरह रख लेते हैं. तो घर से जो लाए थे स्नैक्स एंड ऑल रखते हैं इसके अंदर. देन आफ्टर किचन के बाद में इस हॉल के अंदर यहाँ पे एक बालकनी है हमारी. सो ये काफ़ी बड़ी सी बालकनी है एंड ये बालकनी से व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है. एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा मैं यूजुअली जो फोटोज़ हैं यहाँ पे खड़े होकर बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह लेती हूँ. सो दिस इज़ लाइक वेरी गुड प्लेस. एंड सो ये हॉल से हम अंदर जाते हैं. सो हियर वी आर हैविंग अनदर रूम. सो इसमें लाइक सौम्या एंड वन ऑफ आवर फ्रेंड स्टे हियर. एंड देन दिस इज़ द वॉशरूम फॉर देम.
ये जो कॉमन वॉशरूम है एंड देन दिस इज द वे टू द मास्टर बेडरूम। सो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी बिकॉज मैंने इसको इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू गाइज कैन चेक दैट आउट। सो दिस इज माई रूम, हियर आई एम हैविंग दिस बड़ा सा बेड दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा किंग साइज। एंड देन आफ्टर मास्टर बेडरूम का एक फ़ायदा रहता है दैट यू आर हैविंग अ अटैच वॉशरूम, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ फ़ायदा नहीं है। एंड देन आफ्टर दिस इज द वार्डरोब, काफ़ी अच्छा स्लाइडिंग वार्डरोब दिया हुआ है, बड़ा सा वीडियो देखो, बहुत अच्छा सा वार्डरोब दिया हुआ है। देन आफ्टर कमिंग हियर, ये है एक जो मैंने आपको बताई थी एक बैल्कनी, एक एडिशनल बैल्कनी है, सो दिस इज एन एडिशनल बैल्कनी। सो यस, और यहाँ पे मैंने मखाने सुखाए थे जो कि कबूतरों ने पूरा बर्बाद कर चुके हैं, तो देखते हैं इनका क्या मखानों का क्या करना है। सो गाइज, ये जो था मैंने आपको अपना पूरा फ्लैट का टूर दिखा दिया, 2 BHK फ्लैट है हमारा। सो कमिंग ऑन टू रेंट, सो अभी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। एंड अभी रिसेंट वीडियो जो मैंने बनाया था रूम टूर का, तो उसमें मैंने आपको अपना रेंट बताया था कि मैं इस रूम का शेयरिंग में कितना पे करती हूँ, तो अभी जो है वो रेंट हमारा ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो चुका है, एक बार ऑलरेडी इंक्रीज़ हो गया है। एंड देन अभी हमको FYI आ चुकी है हमारे ओनर की साइड से कि एक और बार इंक्रीज़ होगा, सो वी आर नॉट वेरी श्योर दैट हम यहाँ पे मतलब इतना कितना स्टे करेंगे या फिर जो भी है, बिकॉज एक्चुअली ये हमारे फ्लैट की बात नहीं है, रेंट जो है वो पूरे ओवरऑल पुणे में बढ़ रहा है। इट इज़ बिकॉज जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे ना तब कोविड चल रहा था, तो कोविड की वजह से फ्लैट वगैरह थे वैकेंट थे, लोग अपने अपने घर चले गए थे, सो दैट्स वाई इन लोगों ने सस्ते में फ्लैट दे दिए थे अकॉर्डिंग टू देम। एंड अभी जो है मतलब सब लोग बैक टू ऑफिस आ रहे हैं, सो उसकी वजह से मतलब जो फ्लैट्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो दैट्स वाई रेंट वगैरह बहुत इंक्रीज़ हो चुका है। तो अगर मैं आपको अभी डिटेल बताऊँ जैसे आप ऑन एन एवरेज, तो जिस रेंट जो अनफर्निश्ड फ्लैट जो 15,000 से 16,000 के थे उनका जो रेंट इंक्रीज करके कर दिया है 21,000 के आसपास, ठीक है, 20,000, 21,000, 22,000 के आसपास, डिपेंड ऑन द फ्लैट, उस तरीके से कर दिया है, ठीक है। एंड जो फर्निश्ड फ्लैट थे जो कि अब तक मतलब 20, 21 जो मतलब रेंज में दे रहे थे, उनका जो रेंट है वो अचानक से लाइक 26,000, 27,000, 28,000 तक भी कर दिया है, 2 BHK की बात कर रही हूँ मैं। सो दैट्स वाई फ्लैट का तो मतलब बहुत ज़्यादा अभी रेंट इंक्रीज हो चुका है। एंड दैट वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप ये वीडियो से देख के आपको थोड़ा अंदाज़ा आया होगा कि मतलब किस तरीके के फ्लैट वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, एंड फर्निश्ड फ्लैट में आपको क्या क्या चीज़ें वगैरह मिलती हैं। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए एंड अगर आपको किसी और लाइक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए होगा देन प्लीज़ डू कमेंट बिलो। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पर सुपर डुपर एक्टिव हूँ एंड आपको मतलब मेरी लाइफ की जो अपडेट्स वगैरह हैं काफ़ी मज़े वगैरह कर लेते हैं, चिल करते हैं थोड़ा बहुत, तो वहाँ से आपको मेरी लाइफ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो मैंने अपना इंस्टा हैंडल यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सो डू फॉलो मी देयर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड यस, अभी तो बहुत सारे मैं मतलब वीडियोस बनाने वाली हूँ लाइक इसी के ऊपर, लाइक एक्चुअली रेंट एंड फ्लैट्स के ऊपर, बिकॉज अभी थोड़ा क्राइसिस चल रहा है यहाँ पे फ्लैट वगैरह का, तो यही सब मैं वीडियोज़ बनाने वाली हूँ यहाँ पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड हिट द बेल आइकन सो दैट अगर मैं कभी भी कोई नया वीडियो बनाती तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।